सब्सक्राइब करें आस्था फूड चैनल को और पहले वीडियो की जानकारी के लिए बेल का बटन क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था फूड चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी तरीके से बताने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं फिश करी बनाने के लिए क्या चाहिए। ये मैंने 1 kg फिश ली है, जिसको वॉश करके अच्छे से रख लिया है। इसको मैंने 3 बार धोया है। पहली बार मैंने इसको सादा पानी से धोया है, और दूसरी बार इसको बेसन से, और फिर तीसरी बार इसको एक नींबू इसको निचोड़कर और 15 मिनट रखने के बाद इसको धोकर रख लिया है। इसको हमें छलनी में रख लेना है इस तरीके से, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और तलने में हमें परेशानी ना होगी। और ये हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट लिया है, जिसमें मैंने 3 प्याज और लहसुन की कलियाँ, 15 से 16 कलियाँ ली हैं लहसुन की, इनको पीस कर पेस्ट बना लिया है। 3 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक लिया है टेस्ट अनुसार। सौंफ लिया है हमने 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच हमने मेथी दाना लिया है। दही लिया है हमने 1/2 बाउल, ये फ्रेश दही है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिश को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमें आराम से फिश के जो पीसेस है वो डालते जाना है, और इसको मैं थोड़ा सा ही तलना है। इसको हम पलट देंगे। ये देखिए, हमने सारी फिश फ्राई कर ली है। ये हमने 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई की है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, ये बड़ा चम्मच ऑयल लिया है 2। ये हमारा प्याज और लहसुन का पेस्ट था, उसमें हमने सारे सूखे मसाले मिला लिए हैं, और तेल गरम हो गया है, उसमें हम मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दाने को थोड़ा फ्राई होने देंगे कलर चेंज होने तक। पानी हमने बॉईल कर लिया है, जिससे हमें ग्रेवी में पकाना नहीं पड़ेगा उसको ज़्यादा। ये देखिए, मेथी दाने का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, और इस तरीके से हम सारा मसाला डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, जिससे हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। मसाला जितने अच्छे से भुनता है, सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। ये देखिए, मसाला भुन गया है, और इसमें मैंने भुनते में ही सौंफ डाल दी थी। सौंफ हमको ऑयल में नहीं डालना है, मसाले में डालना है। और ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। गैस को हम ऑफ करेंगे, और अब हम दही डाल देंगे। दही को हमें लगातार चलाते रहना है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये फट जाएगा। और गैस को भी हमें ऑफ कर देना है, अगर चालू गैस में ही हम दही को डालेंगे तो फट सकता है। इसको हमने दोबारा भून लिया है, ये देखिए अच्छे से भून गया है। ऑयल इसने अलग कर दिया है। अब हम इसमें फिश डालेंगे, जो हमारे फ्राई किए हुए पीसेस है। देखिए, हमने सारी फिश डाल दी है, और अब हम इसको मसाले में मिक्स कर देंगे। जो हमारा पानी बॉईल हो रहा था, अब उसको डाल देंगे हम। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतली या थिक। मैं ज्यादा पतली नहीं रखूंगी इसको। गैस का फ्लेम हम हाई रख लेंगे।
इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है क्योंकि हमें ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं करना है। और इसमें एक उबाल आ गया है, अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तीन मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारी फिश करी बनकर तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे आधा चम्मच और इसमें थोड़ी सी हम धनिया पत्ती भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी फिश करी बनी है। इसमें हमने रो फिश यूज की है क्योंकि रो फिश बहुत ही टेस्टी होती है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। अब इसमें धनिया पत्ती थोड़ी सी और डाल देंगे ऊपर से। आप इसको चपाती या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक यू।